नमस्कार दोस्तों, एन के फर्नीचर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डबल ब्लेड वाला रंदा। हमारे मन में कई दिनों से एक सवाल चल रहा था कि अगर रंदे के अंदर दो ब्लेड लगा दी जाए तो क्या होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, देखते हैं ये रंदा सक्सेस होता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रंदा बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक लकड़ी की, और आप शीशम की भी लकड़ी ले सकते हैं, और ये हमारे पास देसी बमूल की लकड़ी है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें लगभग 21.5 इंची, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये है 2.5 इंची आधा सूत, और इसकी मोटाई की बात करें तो ये 2 इंची एक सूत मोटी लकड़ी है हमारे पास। अब दोस्तों, हम इसमें से जो अच्छा वाला पेटा होगा उसको नीचे की तरफ रखेंगे। जैसे इसमें हल्का सा गांठ है और इसके नीचे वाला जो पेटा है वो एकदम साफ है, तो हम इसको अपना जो मेन पेटा होता है नीचे वाला वो रखने वाले हैं। अब दोस्तों, हमको क्या करना पड़ेगा, इसके गुनिया भी चेक करनी पड़ेगी। तो जैसे कि देखिए, ये इस तरह से हमारा ये गुनिया में है और इधर से भी ये गुनिया में है। तो कुल मिला के बात ये है कि अपनी जो लकड़ी होती है ना रंदे की, वो चारों साइड से गुनिया में होनी चाहिए। अब दोस्तों, हम इसके अंदर दो ब्लेड खोदने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, जो आगे वाली ब्लेड है उसको 6 इंची पर खोदेंगे। तो हम 6 इंची पर एक निशान लगा लेते हैं और एक सूत पे और निशान लगा लेते हैं जिसमें अपना ब्लेड का खड्डा होएगा। और वापस से हम क्या करते हैं, 6 इंची इसके बीच में गैप छोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 12 इंची पर एक निशान और कर लेते हैं और 12 इंची एक सूत पर निशान और लगा लेते हैं। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, ये दोनों निशान को गुनिया से खींच लेते हैं और इसी तरीके से हम गुनिया से आगे वाले निशान भी खींच लेते हैं। अब इसको वापस से पलट लेंगे और जो अपना ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके भी ये वाले गुनिया से निशान खींच लेते हैं। अब दोस्तों, मेन चीज आती है कि हम इसे कितनी डिग्री पे खोदें। तो जहां तक का मेरा सवाल है, इसको जितना 45 डिग्री पे अपन खोदते हैं तो ज़्यादा इजी चलता है रंदा। तो यानी कि 45 डिग्री कैसे निकालेंगे, इस लकड़ी की जो मोटाई है वो 2 इंची एक सूत है, तो हम ये पीछे वाले निशान से यहाँ पे 2 इंची एक सूत पे एक निशान कर लेते हैं और यहाँ से वापस इसका पॉइंट मिला देंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक 45 डिग्री वाली गुनिया है, तो यहाँ से इसको पकड़ लेंगे और इस निशान को खींच देते हैं, और इसी तरीके से हम यहाँ से इसके पकड़ के पीछे वाली डाट का उसका भी निशान खींच लेते हैं। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसका क्रॉस का निशान आया है तो यहाँ पे एक गुनिया पकड़ लेंगे और जो इसका रंदे का जो अपना टॉप है ऊपर वाला हिस्सा, तो यहाँ पे भी एक गुनिया से निशान खींच लेते हैं, और इसी तरीके से हमने ये वाला भी निशान कर लिया है। अब दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, जो इसको भी हल्का सा ऐसे क्रॉस बनाएंगे तो यहाँ से हम लगभग 1/2 इंची का एक निशान करके और इसको यहाँ से 1/2 इंची जितना छोड़ के और इसको भी इस तरीके से निशान खींच लेते हैं। इससे क्या होगा, जो अपना बुरादा है वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। दोस्तों, जैसे कि रंदे के हमने सारे निशान कर लिए हैं और सारे निशान को कंप्लीट उतार लिया है, और अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास 1/2 इंची की एक ब्लेड है, तो हमको ये 1/2 इंची के ही ब्लेड के दोनों खांचे निकालने हैं, तो हम इसी तरीके से इसमें खड्डा करने वाले हैं। दोस्तों, इस लकड़ी की जो मोटाई है वो 2.5 इंची आधा सूत है, तो इसमें से अगर 1/2 इंची घटा दें तो लगभग 1/2 इंची आधा सूत बचता है। तो हम क्या करेंगे, 3-3 सूत दोनों साइड अपनी लकड़ी का जो माल होता है उसको छोड़ देंगे, तो इसके कारण से अपना लकड़ी का जो रंदा है वो बेंड होने के चांस कम हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने इस बड्डी को 3 सूत पे सेट कर लिया है और इससे हम इसके निशान कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पलट लेंगे और ये 3 सूत वाली बड्डी से यहाँ पे हल्के हल्के निशान लगा लेते हैं ताकि अपन को खोदने में आसानी हो जाए। दोस्तों, अब जो हमने निशान किया है ब्लेड के लिए, तो यहाँ से 3.5 सूत पे एक निशान लगा लेंगे और दोनों साइड से 3.5 सूत 3.5 सूत छोड़ देंगे और इस तरीके की बड्डी बना के इसको भी निशान कर लेते हैं। हुँ। हुँ।
अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये सारे जो निशान अपन को जो माल हटाना है, तो हम क्या करेंगे ड्रिल मशीन से इसमें खड्डे कर लेते हैं, तो क्या है अपन को हॉल निकालने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये वाला पहले हम निकालेंगे 18 के वेट से, दोस्तों जैसे कि हमने बनेट्स के बेड से इसमें हॉल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, दो सूत वाले बेड से ये क्रॉस भी ऐसे इस तरीके से कर लेते हैं बचा बचा के, क्योंकि इसके अंदर ऐसे सीधा खड्डा नहीं होना चाहिए, हल्का से ऐसे टेपर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको चौरसी से एक लेवल कर देंगे। अब दोस्तों हम इसको 1.5 इंची की चौरसी से इसको खड्डे को सही तरीके से साफ कर लेते हैं। लगभग हमने इसका खड्डा आधे से ज़्यादा कर दिया है, और अब हम क्या करते हैं इसको पलट लेंगे, और यहाँ पर भी एक सूत गहरा इसका खड्डा कर लेते हैं सीधा सीधा। दोस्तों देखिए जो नीचे वाली अपनी जहाँ ब्लेड लगनी है वहाँ पर अभी हमने लगभग 1 mm जितना माल छोड़ दिया है, और अब हम क्या करते हैं इसका डार्ट का निशान कर लेते हैं और इसका जो डार्ट का माल होता है इसको हटा देते हैं। दोस्तों हम डार्ट के लिए यहाँ से पकड़ेंगे, 1/2 इंच डार्ट का निशान छोड़ने वाले हैं, यहाँ पर इसका जो माल है ये वाला हटा देंगे, तो इसको गुनिया से दोनों तरफ खींच लेते हैं और आगे वाले हिस्से का भी हम इसी तरीके से डार्ट बनाने वाले हैं। इसको हम सिकंजे में पकड़ा लेते हैं और इसको टाइट कर लेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक नई हमारे पास एक्स ब्लेड है, तो हम क्या करेंगे इससे यहां से डालेंगे और इसके निशान तक इसका कट लगा देते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने ये वाला कट निकाल लिया है, अब हम क्या करेंगे पीछे से यहाँ से टच करके और यहाँ पे भी एक कट निकाल लेते हैं। दोस्तों देखिए हमने इसके भी चारों कट निकाल लिए हैं एक्स ब्लेड से और आगे वाले के भी निकाल लिए हैं। और दोस्तों अब हम क्या करते हैं, जो माल बच रहा है इसको हम एक सूत की चौरसी से इसका माल हटा देते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो अपनी डार्ट है यहाँ से इसको पॉइंट मिला के, और जो अपन ने 1/2 इंची टेपर रखा है इसको यहाँ पे निशान कर लेते हैं, और इस माल को ऐसे करके और इसको ऐसे पॉइंट मिला देते हैं, और इसको भी इस तरफ से खोद लेते हैं।
जैसे कि दोस्तों हमने दोनों खड्डे के ये शेप बना लिया है, और अब हम क्या करते हैं, जैसे कि इसमें ये चौरसी के हल्के ऊपर नीचे है तो इसकी एक फाइल बनाने वाले हैं, और फिर इसको फाइल से हम अच्छी तरीके से घिस लेते हैं जो कि अपना पेटा एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों चौरसी के जो हम फाइल बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास एक बारीक वाली फाइल है और इसको इसके ऊपर रख के और हथौड़ी मार देते हैं जो इसके ऊपर से, तो इसके दांते निकल आएंगे। देखिए दोस्तों हमने चौरसी की एक फाइल बना ली है, जैसे कि आपको इसके दांते नजर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों हमने दोनों होल की अच्छी तरीके से सफाई कर ली है और इसके अंदर बिल्कुल भी गांठ नहीं है, और अब हम क्या करते हैं दोनों की फाड़ियां तैयार कर लेते हैं। दोस्तों देखिए इसके चौड़ाई में हमने इसके साइज की एक पट्टी निकाल रखी है और इसकी मोटाई है लगभग 1.5 इंची, तो अब हम इसमें से दो टुकड़े इसकी फाड़ी के नाप से काट लेते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लगभग इसके सेंटर में 1.75 इंची पे एक निशान लगा लिया है, तो हम क्या करेंगे इसमें से ऐसे दो टुकड़े कर लेते हैं, तो इसी पीस में से अपनी दोनों फाड़ी निकल आएगी। अगर इसमें हल्की हल्की गांठ रह जाती है तो हम क्या करते हैं इसको रेजमाल के ऊपर घिस लेंगे और ये पेटा एकदम लेवल में होना चाहिए, तो इसमें हल्की सी गांठ है तो इसको हम घिस लेते हैं। जैसे कि इसको देखिए हमने कर लिया है और ये वाले को भी कर लिया है, उसके बाद इसके अंदर डाल के देखते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं इसके अंदर ब्लेड डाल देते हैं और जो अपन ने फाचर बनाई है इसको यहाँ पे रख देंगे, ब्लेड को थोड़ा ऊपर रखेंगे और वापस इसको टाइट कर देते हैं। अब जैसे कि इसमें ब्लेड में हल्का हल्का कोई जगह है, कहीं टेपर है, तो इसके साथ में क्या करेंगे फाटी के और इस डार्ट के, इसके दोनों के टच करके हम एक्सो ब्लेड इसके अंदर चला देते हैं, तो कि अपनी जो फाटी है एकदम से फिट हो जाएगी। अब हम इसको अंदर ठोक लेते हैं, और दोस्तों अब हम क्या करेंगे यहाँ से इसके सारे ऐसे पेन का निशान कर लेते हैं और इस साइड भी निशान कर लेते हैं और वापस इसको खोल लेंगे और इसका यहाँ से जो बुरादा फंसने का है वो थोड़ा सा कट निकाल लेते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं इस माल को इस तरीके से यहाँ से हटा लेंगे, इस तरीके से राउंड शेप में बना लेते हैं इसको ताकि अपना बुरादा फंसे ना। दोस्तों हमने इसी तरीके से दोनों फाड़ियों के खांचा निकाल दिया है और लगभग हमारी दोनों फाड़ी तैयार है। हाइट में ये फाड़ी ज़्यादा है तो हम यहाँ से लगभग इसको 5-5.5 इंची की काट लेते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ से लगभग 1.5 सूत के आसपास इसके चारों तरफ से पैल पार देते हैं, जब अपन इससे हथौड़ी मारेंगे तो ये फटने का चांस अपना कम हो जाएगा।
अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका भी इसको पैल पार देते हैं ताकि जब अपन फाड़ी ठोकेंगे तो यहाँ से फटने का चांस अपने कम हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट लेंगे और पीछे से तीन सूत लेके इसको कट निकाल लेते हैं पीछे वाले हिस्से में, ताकि अपने पकड़ने में इजी हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसकी जो कॉर्नर धारे हैं इसको हल्का सा रद्दे से राउंड कर देते हैं। अब दोस्तों इस पे हम अच्छी तरीके से ग्राइंडर पेपर से इसको घिस देते हैं ताकि ये एकदम फिनिशिंग आ जाए इसके ऊपर। अब दोस्तों हम इसको 150 नंबर सैंड पेपर से घिस देते हैं। अगर आपने सैंड पेपर का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरीके से घिस लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने इसके अंदर दोनों ब्लेड को टाइट कर लिया है और अब हम इस लकड़ी के ऊपर चलाकर देखते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये दोनों ब्लेड काम करेगी या नहीं, तो कमेंट करके बताइए हमें और हम इसको चलाकर देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या बुरादा निकला है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा बुरादा इसके अंदर फंस भी नहीं रहा है। और लगा के देखते हैं इसके ऊपर। दोस्तों वैसे तो इसको चलाने का तरीका ये है कि आगे एक इसका खींचने का स्टैंड आता है, तो इसको दो आदमी मिलकर चलाने पड़ेंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों दो ब्लेड लगाने से, क्योंकि अगर अपन एक ब्लेड से अगर किसी लकड़ी को अपन ज़्यादा उड़ाना रहता है, तो अगर अपन एक ब्लेड को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और फिर उससे रंदा लगाते हैं तो उसमें क्या है, उतनी सफाई नहीं आती है। तो हमने ये सोचा था कि अगर इसके अंदर दो ब्लेड को खोद दिया जाए और दोनों को हल्का सा पीछे वाली को अपन कम कर ले और फिर एक एक बंदा अगर आगे से इसको खींचता है तो लकड़ी में अपनी कटाई भी जल्दी होगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।